Assalamu alaikum. I am Mrs. Sarwat Abid from JB Memorial English Secondary School. Class 7 को मैंने set exercise 1.1 में universal union and intersection समझाया था. आज मैं exercise 1.2 में complement समझाऊंगी. देखिए question number 1 की तरफ you set में देखिए 1, 4, 5, 9, 30. Set A में देखिए 130. जो चीजें set U की set A में मौजूद ना हो वो A का कॉम्प्लीमेंट कहलाती हैं. देखिए सवाल के जवाब है 1, 4, 5, 9, 30. सेट ए में है 130. अब ये देखिए 4, 5, 9 जो है वो सेट ए में मौजूद नहीं है, इसलिए ये सेट ए कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा. ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ देखिए. सेट यू में अहमद, अमजद, राशिद और सेट ए में है अहमद, अमजद. हमें इसमें भी ए का कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है, तो हम सवाल को दोबारा इसी तरह उतारेंगे. यू में देखिए अहमद, अमजद, राशिद और ए में देखिए अहमद, अमजद. अब राशिद जो है वो सेट ए में मौजूद नहीं है, इसीलिए राशिद जो है वो ए कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा. ठीक है, समझ यकीनन आपकी समझ में आ गया होगा. लेकिन अगर इसके अलावा कुछ समझ में नहीं आता या कोई भी मसला या मुश्किल पेश आती है तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं या स्कूल से रब्ता कायम कर सकते हैं, पेरेंट्स आकर स्कूल में मालूम कर सकते हैं. शुक्रिया.